अब चुनाव में तो कुछ करने के लिए रह नहीं गया है, अब उन्होंने सीधा सीधा वॉक ओवर ही दे दिया है। ताकि इसमें प्रत्याशी की एक गलती जरूर मैं समझता हूँ कि यदि उनको चुनाव नहीं लड़ना था तो उनको कोई टिकट के लिए प्रयास नहीं करना था, तो पार्टी ने टिकट दिया तो भले हारते या जीतते एक संघर्ष करते हुए लड़ते, भले हार जीत कुछ भी होती ये मतदाता का निर्णय था। अभी इस तरह से मैदान छोड़ के उनको जो उन्होंने नीति अपनाई है वो अच्छी रणनीति नहीं है लगता है साहब, क्योंकि आप लोगों को ये कौन सभी लोगों को ऐसा लगने लगेगा पब्लिक को यार बीजेपी तो सीधी सीधी जीत रही है, तो भैया फिर अपने वोट डालने जाने से भी क्या मतलब है। कई लोग जो है कुछ गर्मी की वजह से कुछ ये कांग्रेस के कैंडिडेट भी जो छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं तो उस वजह से भी थोड़ा सा फर्क तो पड़ेगा साहब। आदमी बोलेगा जब जीत ही रहा बीजेपी वाला सीधा सीधा तो कई लोग घर में बैठे रहेंगे कि कोई खड़े झंडे के लिए कोई नहीं खड़ा तो वोट किसको देना है, बीजेपी तो वैसे जीत गई। देखिए पार्टी को ये सोचना पड़ेगा कि हम किस उम्मीदवार को पार्टी का समर्थन पत्र देते हैं, वो अपने पार्टी के सिद्धांतों के प्रति कितने समर्पित रहे हैं। खाली सत्ता और पैसे के चक्कर में यदि कोई कैंडिडेट खड़ा होता है तो ये तो पार्टी को विचार करना चाहिए कि हम जिस उम्मीदवार को खड़ा कर रहे हैं वो पार्टी के सिद्धांतों के प्रति कितना समर्पित है और जनता की कितनी सेवा कर सकता है। सिर्फ सत्ता के मोह में यदि पार्टी इस टाइप के उम्मीदवारों को खड़ा करे जो बीच चुनाव में से यदि नामांकन अपना वापस ले ले तो इससे मतदाताओं और जनता को ये संदेश जाता है कि राजनीति सिर्फ सत्ता और मोह के चक्कर में जनसेवा के लिए अब राजनीति नहीं रही। ये चुनाव प्रभावित होना नहीं होना ये अलग से विषय है, क्योंकि चुनाव क्यों प्रभावित होंगे। यदि कोई आदमी यदि मैदान छोड़ देता है तो मैदान छोड़ना कोई अच्छी बात तो नहीं है, उससे चुनाव प्रभावित नहीं होंगे। उससे ये जरूर संदेश जाएगा कि पार्टी के सिद्धांत गलत है या पार्टी के आदमी या उम्मीदवार गलत है, दोनों में से कोई एक चीज गलत है। इससे क्या वोटिंग परसेंट कम होगा? वोटिंग परसेंटेज तो कम होना ही है, क्योंकि आज कांग्रेस या बीजेपी जो भी पार्टी के चुनाव उम्मीदवार यदि चुनाव छोड़ते हैं तो नकारात्मक संदेश जाता है उनके एक कोर वोटर्स को कि हम जिस पार्टी को बरसों से वोट दे रहे हैं उस पार्टी के सिद्धांत आज के समय अनुरूप रह ही रहे हैं, तो वो फिर नेगेटिव या न्यूट्रल हो जाता है चुनाव के प्रति। एक इस तरीके से लोकतंत्र जो मजबूत हो रहा है वो मजबूत नहीं दिखाई दे रहा है। पहले सूरत में भी ये घटनाएं अब इंदौर में हो गई, ये घटनाएं जो है देश के लिए ठीक नहीं है, लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। वोट परसेंट वोट तो जाएगा ही नहीं, बोला अपना कैंडिडेट तो जीत ही गया फिर क्या जाएगा वोट देने के लिए, जाएगा ही नहीं, वो छुट्टियां मनाने चला जाएगा। आने वाले समय देश के लिए अच्छा नहीं है अगर इस तरह की घटनाएं होगी तो। ऐसे आम वोटर के तौर पे मैं ये कहना चाहूंगी कि जो भी इंसान खड़ा होना चाहता है चुनाव वगैरह के लिए वो खड़ा हो सकता है, बट हाँ किसी वजह से अगर उसने लिया है तो उसके बैकग्राउंड में डेफिनेटली कोई रीजन सॉलिड रहा होगा, क्योंकि कोई भी पहले तो अप्लाई नहीं करता किसी चीज़ के लिए, पर अप्लाई करने के बाद वापस ले रहा है तो कहीं ना कोई फेयर भी हो सकता है, डर भी हो सकता है कुछ चीज़ों का। पर इस सिचुएशन में फिर कहते हैं ना कि फ्रीडम वाली जो कंडीशन रहती है इंडिया में दी जाती है, ओपिनियन दिया जाता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी आम इंसान बन सकता है, चुनाव वगैरह में खड़ा हो सकता है, कहीं तक भी पहुँच सकता है, तो वो चीज़ थोड़ी सी हाइड लगती है कि ट्रांसपेरेंसी शायद कम्प्लीटली नहीं है, जिस वजह से लोग अप्लाई करते हैं फिर वापस ले लेते हैं। डेफिनेटली क्योंकि उनके संग भी कुछ लोग होंगे जो जानते होंगे उन्होंने रीज़न क्यों वापस लिया, क्योंकि अप्लाई करने के संग भी होते हैं, ऐसे ही तो कोई भी जाके खड़ा नहीं होता, उनका कुछ भी एक ग्रुप होगा जो भी किसी भी पार्टी के लोगों में किसी पार्टी का पक्ष नहीं ले रही हूँ, जस्ट ओपिनियन जो आप मांग रहे हैं वो दे रही हूँ कि कॉमन सेंस की बात है, जितने भी लोग खड़े होते हैं उनका ऑलरेडी एक सर्कल होता है, दैट्स अ रीज़न वो खड़े होते हैं, और फिर उसके बाद वो वापस लेते हैं तो उसका भी एक रीज़न होता है। तो इसमें हो सकता है कुछ पॉइंट्स जो उनके सर्कल्स के हों, जो उनके सपोर्टर हों, इस तरह के जो इस तरह के ओपिनियन को एक्सेस नहीं करते हो वो लोग डेफिनेटली। मेरे हिसाब से तो अब जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे अक्षय बम जी, उनके विरोध में जो थे तो अब उनको ही वोट मिलेंगे जो बीजेपी में हैं, और जीतना भी वही चाहिए क्योंकि उनने काम वैसे करे हैं और आगे देश को भी हमको वैसा संभालना पड़ेगा, इसलिए मेरे हिसाब से तो बीजेपी ही आनी चाहिए। और वोट परसेंटेज में भी चेंजेस आएंगे और कुछ लोग होंगे जो नहीं डालेंगे जो अभी भी कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, इससे बस ये चेंज आएगा, असर तो पड़ेगा, पर एक तरफा बीजेपी है वो तो क्या साहब, वोटिंग परसेंट तो बीजेपी को मिलना है, पहले 4-5 लाख से जीता था, वोट तो बढ़ेगा, पब्लिक में उत्साह नहीं है, महंगाई से बहुत ज़्यादा वो पब्लिक में वो है क्या साहब, महंगाई में रोटी कपड़ा मकान ये मेन चीज़, और ये गवर्नमेंट ने कोई मट्ठा बना दिया राशन दे दो के लोगों को, क्या लेबर जो क्लास जो होती है बिल्कुल मट्ठी हो गई है क्या साहब, सारी जाति एक समान देखना चाहिए क्या सर, और आरक्षण नीति खत्म होना चाहिए बिल्कुल, नहीं चुनाव तो होने चाहिए साहब, चुनाव तो होना चाहिए, चुनाव तो होना ही चाहिए,
और इनको जैसे मोमेडन कंट्री है इन पे बैन लगाना है, जो वोट नहीं डालेगा उनको गवर्नमेंट की फैसिलिटी नहीं मिलना चाहिए कायदे से, इस पर बैन लगना चाहिए। वोटिंग अपना परसेंट बढ़ेगा, फर्क पड़ेगा ना, वोट तो डालना ही चाहिए पब्लिक को, कितना पैसा खर्च होता है पब्लिक का, पब्लिक का ही पैसा खर्च होता है, नेता तो अपने वोट पब्लिक को, नेता को वोट डालता है, उधर बदल जाते हैं पैसों के चक्रों के अंदर नेता लोग सब, क्या साहब इसमें भी बैन होना चाहिए, आयोग क्या करेगा उसमें, सब मिली भगत है सर। सर हमको तो ये है कि हम तो अब किसी भी पार्टी पर कोई विश्वास नहीं रखा, बस हम सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं और किसी के विषय में हम कुछ नहीं कह सकते। नहीं ये तो है ना कि लोगों को पार्टी के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा, तो लोगों को पार्टी के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा, अब जो कहीं इधर सोचते थे उधर सोचते थे, अब वो सोचना बंद कर देंगे, अब वो नोटों में वोट डाल देंगे, सीधा चुनाव प्रभावित होगा, वोटिंग परसेंटेज भी कम आएगा, फर्क तो पड़ेगा। मेरा कहना ये है कि जब आपसे चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं, कांग्रेस प्रत्याशी से कहना ये है मेरा कि जब आप चुनाव नहीं लड़ पा रहे हो तो आप अपना नाम वापस क्यों ले रहे हो, दूसरे कैंडिडेट को मौका मिलना चाहिए, कांग्रेस से वो नहीं लड़ पा रहे तो दूसरे को मौका दीजिए, टिकट उनको मिल गया तो उन्होंने नाम वापस ले लिया, उनकी वजह दूसरे को मिलता तो कम से कम वो लड़ने की कोशिश तो करते, आपने तो नाम ही वापस ले लिया है, कोशिश भी नहीं करी, इसमें तो सामने वाले को सीधा जीत मिल रही ना, वोटिंग परसेंट क्यों नहीं कम होगा, कांग्रेस प्रत्याशी से जितनी कांग्रेस की वोटिंग परसेंट थी उसमें कांग्रेस की जो वोटिंग डलेगी वो पूरी खत्म हो जाएगी ना, जो बीजेपी की वही डलेगी, समझ रहे हो, बीजेपी है अन्य पार्टी है दूसरी जितनी भी उनकी वोटिंग होगी कांग्रेस की नहीं हो पाएगी ना, जो कांग्रेस प्रत्याशी है उनके जो समर्थक है वो नहीं डाल पाएंगे वोट। अरे मेरा यही कहना है कि आप चुनाव लड़ रहे हो, आप कैंडिडेट हो तो हिम्मत तो रखो कम से कम, ये क्यों देख रहे हो कि अपन हार जाएंगे, जरा ये भी देखो कि अपन लड़े कोशिश करें। जब जो अक्षय बम जी है कांग्रेस के अच्छे नेता है वो, तो उन्होंने अभी कल ही उनने अपना नामांकन पत्र वापस भरवाया था, वापस ले लिया, तो इससे निर्दलीय जो वोट रहेगा वो उसका प्रतिशत बढ़ सकता है, पर जो जागरूक लोग हैं वो बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे, और बीजेपी ने काम भी वैसे अच्छे किए पूरे इंदौर में, तो अपन वैसा देखा जाए तो निर्दलीय को भी वोट मिल सकते हैं, मतलब निर्दलीय से भी कोई आ सकता है, खड़ा रह सकता है, और बीजेपी का तो इंदौर में प्रतिशत है क्योंकि 9 विधानसभा इंदौर से ही जीत चुकी है इस बार, क्योंकि कांग्रेस का कोई भी एक भी सीट नहीं आई है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी आ सकती है MP में। जी सही बात है, पर अपने जो बीजेपी के उच्च नेता जी हैं तो उनका हो सकता है, मतलब उनके जो वोट हैं बहुत अच्छे बढ़ सकते हैं, मतलब उससे मेरा इससे बोलना है कि मतलब ऐसा होना तो नहीं चाहिए, पर कभी कुछ अच्छे काम के लिए कोई कर रहा हो तो हमें उससे प्रोत्साहित करना चाहिए।